हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक टॉक विद सरा में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक पे सारे के सारे मैसेज को जस्ट एक क्लिक में डिलीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक टॉक विद सरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए आप सब्सक्राइब के बटन के ऊपर टैप करें। और अगर आप चाहते हैं आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिले तो जो उसके साथ में बेल आइकन है आप उसके ऊपर टैप करें। तो चलिए अब हम हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक पे सारे के सारे मैसेज को जस्ट एक क्लिक से डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस, होता क्या है कि कई बार हमें अपनी आईडी का पासवर्ड अपने किसी फ्रेंड को या फिर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को देना पड़ता है, तो हम नहीं चाहते कि वो आपका दोस्त आपकी सारी चैट्स को पढ़ ले। तो इसलिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप सारी की सारी चैट्स को जस्ट एक क्लिक में ही डिलीट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको बेसिकली बताना चाहूंगा कि हमें प्रॉब्लम आती कहाँ है। तो आपको पता ही होगा कि मैसेंजर में किसी भी चैट को डिलीट करने के लिए हमें उस चैट के ऊपर टैप करके डिलीट कन्वर्सेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरीके से सिर्फ एक टाइम पे एक ही चैट डिलीट होती है। तो अगर हम इसी तरीके से सारी चैट्स को डिलीट करने लग गए तो हमारा काफी समय यहीं पे ही बर्बाद हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जस्ट एक क्लिक में सारी की सारी चैट्स को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी यही वाली आईडी गूगल क्रोम में ओपन करनी होगी। गूगल क्रोम में अपनी आईडी को ओपन करने के बाद आपको पता ही है कि ऊपर ऑप्शन होता है मैसेंजर का, तो अब आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो नीचे एक ऑप्शन है सी ऑल मैसेज, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी सारी की सारी चैट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ से भी किसी भी चैट को डिलीट करने के लिए हमें उसके साथ जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। लेकिन गाइस, इससे भी एक टाइम पे सिर्फ एक ही चैट डिलीट होती है। तो अब सारी चैट्स को एक साथ डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऐड करनी होगी। एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए आपको एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है मोर टूल्स का, आपने उसके ऊपर जाके जो एक्सटेंशन का ऑप्शन है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करने के लिए जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर थ्री बार्स दिख रही हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करें। और उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है क्रोम वेब स्टोर का, आप उसके ऊपर क्लिक करें। तो उसके बाद आपके पास एक ऐसा पेज आ जाएगा। इसके बाद जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर टॉप में सर्च बार दिख रहा है, आपने उसके ऊपर सर्च करना है फेसबुक मैसेज क्लीनर। तो गाइज, इसका डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पे भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। तो इसको सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है मैसेज क्लीनर का। तो अब आपने इस एक्सटेंशन को ऐड करना है। उसके लिए जो राइट हैंड साइड पे ऑप्शन है ऐड टू क्रोम, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आएगा, तो आपने उसके ऊपर जो ऐड एक्सटेंशन वाला ऑप्शन है आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद कुछ देर के बाद ही आपकी ये जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाएगी आपके क्रोम में, आपको ऊपर मैसेज भी आ जाएगा इसका। तो गाइज, इसके बाद आपने करना क्या है, आपने वापस अपने फेसबुक आईडी पे जाना है। अपनी फेसबुक आईडी पे वापस आने के बाद आप देख पाएंगे कि ऊपर अब एक एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है जो कि हमारी मैसेज क्लीनर की एक्सटेंशन है। तो अब आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक है डिलीट ऑल मैसेज का और दूसरा है चूज एंड डिलीट। चूज एंड डिलीट वाले ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस किस चैट को डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा डिलीट ऑल मैसेजेस, क्योंकि मैं अपनी सारी की सारी चैट्स को डिलीट करना चाहता हूँ। सो डिलीट ऑल मैसेजेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी सारी की सारी चैट्स वन बाय वन अपने आप डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको जो मैसेज यहाँ पे दिख भी रहा है जिसके नीचे ऑप्शन है कैंसिल डिलीट एंड इग्नोर का, इवन कि आपको इनमें से भी किसी ऑप्शन को चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी सारी की सारी चैट्स अपने आप डिलीट होती जाएंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको अब लगेगा कि मेरे सारी की सारी चैट्स यहाँ पे डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है शो ओल्डर का। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे मेरी सारी ओल्डर चैट्स भी आ जाएंगी। तो गाइज आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी सारी की सारी चैट्स यहाँ से डिलीट हो जानी चाहिए। तो अब इसको भी डिलीट करने के लिए मैं सेम एक्सटेंशन की हेल्प लूंगा और उसके बाद मैं इन सभी चैट्स को भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो गाइज इस तरीके से आप सभी की सभी चैट्स को जस्ट एक क्लिक से डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप सो गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।